टोयोटा इनोवा को भी नया एसयूवी लुक देते हुए ऑलरेडी इनोवा हाईक्रॉस के नाम से लॉन्च किया जा चुका है। ये गाड़ी 7 सीटर एसयूवी के सेगमेंट में काफ़ी पसंद करी जा रही है और टोयोटा ने ऑलरेडी हाइब्रिड मॉडल्स की बुकिंग बंद कर दी है ड्यू टू लॉन्ग वेटिंग पीरियड। हाईक्रॉस के चैनल पर अभी तक हमने एक दो एक्सीडेंट्स देखे हैं जिसमें इंडिया में हुआ एक माइनर एक्सीडेंट भी था। गाड़ी का क्रैश टेस्ट अभी तक नहीं किया गया और सेफ्टी को लेकर दावे से कुछ भी कह पाना फिलहाल मुश्किल है। आज हाईक्रॉस का एक पहला मेजर एक्सीडेंट इंडिया में सामने आया जहां हाईक्रॉस की टक्कर ह्यूंडई i20 से हो गई। पिक्चर्स मिस्टर विपुल गुप्ता ने फेसबुक ग्रुप पर शेयर करी थी। आप इंस्टाग्राम, फेसबुक या ईमेल के थ्रू एक्सीडेंट की डिटेल शेयर कर सकते हैं। यह एक्सीडेंट पटियाला पंजाब से रिपोर्ट किया गया है जहां कौली राजपुरा रोड पर हाईक्रॉस और ह्यूंडई i20 का एक टीबोन एक्सीडेंट हो गया जहां हाईक्रॉस ने साइड से ह्यूंडई i20 को हिट किया। ह्यूंडई i20 GNCAP के क्रैश टेस्ट में 3 स्टार लाई थी और इसे बहुत ज़्यादा सेफ कार नहीं कहा जा सकता। एक्सीडेंट में हाईक्रॉस में सामने से मेजर डैमेजेस आई हैं पर पिलर्स इंटैक्ट दिखाई देते हैं, साथ ही डैमेज कार में हेडलाइट्स भी जलती हुई दिखाई देती हैं। दूसरी तरफ साइड से ह्यूंडई i20 पर कुछ डैमेजेस हैं जिसमें एयरबैग्स भी गाड़ी में डिप्लॉय हो गए हैं। यहाँ शायद दोनों ही गाड़ियों में कुछ इंजरीज पैसेंजर्स को आई और उन्हें मणिपाल हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। होपफुली वो जल्द रिकवर हो जाए। ये एक्सीडेंट देखकर समझ आता है कि शायद हाईक्रॉस एक सेफ कार निकल कर आएगी क्योंकि फ्रंट में मेजर इंपैक्ट के बाद भी पिलर्स इंटैक्ट हैं और डैमेजेस केबिन तक इस गाड़ी ने नहीं पहुंचने दी हैं। बाकी हाईक्रॉस की बिल्ड क्वालिटी का पूरा सच इस कार का क्रैश टेस्ट ही बता पाएगा। आपके ऑब्जर्वेशन हाईक्रॉस को लेकर क्या हैं कमेंट्स में जरूर बताइएगा। चलता हूँ मैं, मिलूंगा आपसे जल्द ही एक नए वीडियो के साथ। टिल द टाइम दिस मी साइनिंग ऑफ। जय हिंद।